नाइट अराउंड 12 o'clock इन द मिड नाइट वी रिसीव्ड हमको एक खबर आया कि एक मर्डर हो गया. तो डिसीज्ड का नाम है शेख साइज बिन अब्दुल रहमान बावजी, एज 27 ईयर. तो इसका मर्डर हो गया बोल के हमको एक खबर आया. तुरंत हमारा पुलिस टीम उधर जाके पूरा फॉर्मेलिटीज करके क्राइम सीन प्रोटेक्ट करके पूरा एविडेंस कलेक्ट किया. तो उसके बाद वो डिसीज्ड का फादर से कंप्लेंट लेके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया. तो इस इन्वेस्टिगेशन में अक्यूज को ढूंढने के लिए लगभग 8 स्पेशल टीम क्रिएट किया गया है. वो 8 स्पेशल टीम का एफर्ट से आज आपके सामने 4 आदमी को अरेस्ट दिखा रहा है आज. तो इसमें हम लोग पहले 302 केस रजिस्टर किया. इसके बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी सेक्शन ऐड किया है. नाउ अंडर सेक्शन 302-120B रेड विथ 34 IPC बंडलगुड़ा PS में 207/20/23 में एक केस बुक किया है. इस केस का डिटेल्स में जाया तो हमको ये दिस इज शेख बावजीर और A1 मेन अक्यूज A1 का नाम अहमद बिन हजेब, एज 20 ईयर्स, वॉशिंग मशीन मैकेनिक का काम करता है. सो इन दोनों का 2021 में एक केस में दोनों ने चंचलगोड़ा जेल में मिला है. उस टाइम से इन दोनों का फ्रेंडशिप भी था और इस फ्रेंडशिप का कुछ होमोसेक्सुअल काइंड ऑफ रिलेशन भी था. उसके बाद भी इन दोनों बाहर आने के बाद इन दोनों कभी कभी मिलता था. बट दिस इज शेख बावजीर ने सोशल मीडिया में ज़्यादा कहीं चीज़ों में कहीं टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना रहा था. तो इसी टाइम पे इसमें अक्यूज A2 अहमद सादी, A3 अब्दुल्ला सादी एंड A4 साले सादी, A5 ओमर सादी. इसमें अब्दुल्ला सादी और अहमद सादी ये दोनों, इसमें अब्दुल्ला सादी म्यूनसिपल चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में काम कर, जलपल्ली म्यूनसिपालिटी का म्यूनसिपल चेयरमैन है. तो जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में जो भी इश्यूज हो रहा है कुछ कई टॉपिक्स का ऊपर ये डीसी शेख बावजीर ने काफ़ी सारा वीडियोस बनाया है. कई वीडियोस में इसको डिशन किया गया है और कभी कभी ब्लैकमेल भी किया है. तो इन लोगों को A2 अहमद साले सादी, इन तीनों और A5 उमर सादी, इन तीन चार जनों का पर्सनल ग्रजेस था शेख बावजीर का ऊपर. तो एक ग्रजेस के ग्रजेस से एक दो बार उसको डिसीज को बुला के बात भी किया गया है और लगभग 9 लाख तक भी दिया है. अभी हमको पता चला कि वो शेख बावजीर ने ब्लैकमेल किया, जिसके द्वारा ये अक्यूज अहमद सादी और अब्दुल्ला सादी लगभग 6-7 लाख तक पैसा भी दिया है. फिर भी शेख बावजीर ने फिर भी ये सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे वीडियोस अगेंस्ट अंडरग्राउंड एक्टिविटीज इन जलपल्ली म्यूनसिपालिटी एरिया, लैंड ग्रैबिंग का और कुछ और कई और चीज़ों का वीडियोस डाल रहे हैं और उसको डिटेन कर रहे हैं. तो इसको हटाने के लिए, इसको सेटल करने के लिए इन्होंने A1 अहमद बिन हाजब को एक टूल जैसा यूज़ किया. बिकॉज ये अहमद बिन हिजब और शेख बावजीर का रिलेशनशिप था पहले. सो इन दोनों को ऑलरेडी इसको टूल बना के इसके साथ इसका पर्सनल ग्रज सेटल कर सकते हैं बोल के सोच के अहमद सादी बोल के, ये दोनों का बीच का रिलेटिव है. अहमद सादी फैमिली और अहमद बिन हजब का बीच में उमर सादी बोल के एक रिलेटिव है. उससे इन्होंने एक डील बात करके लगभग 13 लाख का पैसा दे देंगे. हम इसको हटा हो तो इसको मार दिया गया तो आपको 13 लाख दे देंगे बोल के उमर सादी के द्वारा दे हैव गिवन अश्योरेंस दैट अश्योरेंस टू अहमद बिन हजब. तो अहमद बिन हजब और A6 मोहम्मद अयूब, इन दोनों ने तो इसको कैसे मार सकते हैं
जो जैसे कुछ भी सस्पिशियस जैसा नहीं दिखना बोल के इन्होंने क्या किया, इवन अहमद बिन हजाब ने एक शायद बोल के एक बच्चा था, बच्चा को लेके उसको उसको डरा के शेख बाउजी के पास लेके गया है। उस दिन उस रात में वो साउथ को अंदर बेच के, और थोड़े देर के बाद जब बाउजीर ने एक अच्छा सरकमस्टांसिस में जिसके उस टाइम जिसके पास कुछ नहीं था, वो टाइम देख के अहमद बिन हिजाब ने जो ऑलरेडी लेके आया नाइफ लेके आके चिल्ली पाउडर लेके आया, चिल्ली पाउडर स्प्रिंकलिंग करके ये नाइफ चाकू लेके उसको मार दिया गया। उसके बाद जल्दी से जल्दी पूरा अपस्टैंडिंग हो गया है, और जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है वो लोग भी जब जब मर्डर हुआ उस दिन से अपस्टैंडिंग में था। सो आफ्टर ऑल दिस सेंसेशनल मर्डर और सी पी साराज क्लियरली टोल्ड टू गो थ्रू प्रॉपरली इन द एविडेंस एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के जाने के लिए ऑर्डर दिया गया है, उसके हिसाब से 8 टीम स्पेशल टीम फॉर्म करके कहीं जन ढूंढ कई जगह ढूंढ के अभी 4 आदमी को पकड़ लिया है। पूरा फॉर्मेलिटीज करके आज A1 अहमद बिन हजेब, A2 अहमद सादी, A3 अब्दुल्ला सादी म्यूनसिपल चेयरमैन जलपली म्यूनसिपालिटी, A6 मोहम्मद अयूब खान, इन 4 आदमी को आज आफ्टर फॉर्मेलिटीज हम जुडिशियल रिमांड को भेज रहे हैं। सो इस केस में जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करके अक्यूज को पकड़ के लेके आया। सो सी पी साहब ने हमको अप्रिशिएट किया गया है। सो आई कंग्रेचुलेट ऑल द ACP चंद्रायन गुड्डा, SHO बंगलगुड़ा एंड ऑल द टीम मेंबर्स फॉर सक्सेसफुल डिटेक्शन ऑफ दिस केस एंड ब्रिंगिंग द अक्यूज टू द जुडिशियल रिमांड। थैंक यू। क्लियर? Shall I ask questions, sir? Ahmed Sadi का क्या relation है sir? Ahmed Hajabi. Ahmed Hajabi. Ahmed Sadi का क्या relation है? Ahmed Hajabi को Umar Sadi पहचानता है. Umar Sadi से Ahmed Sadi का एक relation. एक वीडियो वायरल हो रहा था कल से ये A1 का, उसके अंदर उसने पुलिस कस्टडी में रहते हैं वो वीडियो वायरल किया है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना है? इंक्वायरी पुलिस इंक्वायरी करेगी टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द केस समबडी इज क्रिएटिंग दिस। नहीं सर, वो सही है, विद पुलिस कस्टडी में रहने के बाद वो वीडियो बना तो उसके ऊपर इनिशिएटिंग इंक्वायरी ऑन दैट, वी विल टेक एक्शन। सर जब इस पे कई मर्तबा वजीर कंप्लेंट देने के बाद पुलिस क्यों इस पे एक्शन लेती है? मैं इस दौरान पर मैं सबको सब लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाह रहा है कि बहुत सारे सोशल मीडिया में ये ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है कि पुलिस वाला एक्शन नहीं लिया बोल के। सो हमारे पास पूरा एविडेंस है। सो जब शेख बावजीर ने हमको कंप्लेंट दिया 27/7/2023 को, उसका कंटेंट्स 5.6 का कंटेंट्स आता है। 5.6 IPC इज नॉन कॉग्निजिबल। नॉन कॉग्निजिबल ये होता है पुलिस डायरेक्टली केस बुक नहीं कर सकते। 5.6 कंटेंट आता है उसमें डायरेक्टली पुलिस केस नहीं बुक कर सकते, इसको नॉन कॉग्निजिबल बोलता है। ये सेक्शन के ऊपर कोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है, एंड हमारे लोग वो कंप्लेन ले लिया, कोर्ट को परमिशन के लिए अप्लाई भी किया। जब परमिशन आता है तो तुरंत केस बुक होता है। सो इसमें हमारा पुलिस का किसी का भी नेग्लिजेंस नहीं है, एंड इन दोनों का ये सोशल मीडिया में एलिगेशन करना, पर्सनल डिफेमेशन करना, बहुत सारे चीज़ चलता रह रहा है। एंड दोनों रोडी शीटर है, उसको बुला के बात किया, कभी कभी रोडी शीट काउंसलिंग सेशन में भी हमने वार्निंग किया। सो हमारे तरफ से देर इज नो लैकनेस, देर इज नथिंग दैट वी हैव नॉट डन फ्रॉम आवर पुलिस साइड। सो आई वांट टू क्लैरिफाई दिस टू ऑल द पब्लिक, वेन एवर सम इन्फॉर्मेशन इज कमिंग, वेन एवर समथिंग समबडी इज थ्रेटनिंग, डेफिनेटली वी आर टेकिंग एक्शन, वी विल कंटिन्यू टू टेक एक्शन। सर నేను సియాసత్ నుంచి బిలాల్ సర్, అయితే 5.6 పర్మిషన్ వస్తే కేస్ కట్టారా సర్? పర్మిషన్ తీసుకుంటున్నాం, పెట్టాను సార్. బాబాజీ అప్పుడు హోమ్ మినిస్టర్ గారికి ఆడియో వైలలేదు, దానికి సంబంధించి మరి ఏం యాక్షన్ తీసుకున్నారు? అదే చెప్తున్నా కదండి, 5.6 అనేది నాన్ కాగ్నిజిబుల్ అఫెన్స్. అండ్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని తిట్టారనుకోండి, అది నాన్ కాగ్నిజిబుల్, అది వీ కాంట్ టేక్ యాక్షన్ అన్ అవర్ ఓన్. ఇట్ హాస్ కోర్ట్ హాస్ టు డిసైడ్ వెదర్ టు రిజిస్టర్ కంప్లైంట్ ఆర్ నాట్. సో వన్స్ ద కోర్ట్ గివ్స్ ద పర్మిషన్ విల్ రిజిస్టర్ ద కేస్. ఆయన ఒక వీడియో ఇంకో వీడియో కూడా వైరల్ చేశారు సార్, పొలిషన్ ఆపోజిట్ వచ్చేసి అది యాక్షన్ తీసుకోవట్లేదని. కై సారే వీడియోస్ డైలీ బహుత్ సారే లోక్ ఆకే ఐతే వీడియోస్ బనాతే హై, బట్ జో జిస్మే
सब्सटेंस है उसमें जरूर हम एक्शन लेंगे। सब्सटेंस नहीं है, सेक्शन पढ़ लीजिए आपको पता चलेगा फाइन आर्ट सिक्स में क्या क्या होता है। कितना भी इंटिमिडेशन करो फाइन आर्ट सिक्स ही आता है, वो कानून में आईपीसी में इससे ज्यादा सेक्शन नहीं है। एंड फाइन आर्ट सिक्स इज अ नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, वी कैन नॉट टेक एक्शन ऑन आवर ओन। व्हाट वी कैन डू इज कॉल देम एंड काउंसिल देम, वी काउंसिल देम, वी कॉल्ड, वी हैव कॉल्ड देम फॉर माइंड ओवर आल्सो, एंड वी हैव टोल्ड इनफॉर्मली एंड फॉर्मली आल्सो, वी रजिस्टर्ड अ केस, वी हैव सेंड अ रिक्वेस्ट टू द कोर्ट। सर इनका पुलिस ने एलिगेशन वचना एसएचओ बंडला कोड हैज नॉट रिसीव वन सिंगल फोन कॉल फ्रॉम एनी रिपोर्टर सर। See, when something is in the sub judice, no, when something is in the sub judice, we cannot tell anything. If something we tell, it goes against the investigation. So, that's what I'm saying. Initial also, when something is investigation, पहले तो एक बोलता है, अकिल को पकड़ने के बाद दूसरी चीज बाहर आता है, then आप लोग ये पूछेगा, पहले ये बोला ये बोला। See, we cannot, something happen, directly we cannot judge. It takes time to establish an evidence. It takes time to bring out the justice. Takes time to bring out the actual truth. Just like that, that's why I also, we did not give any statements, we did not attend any calls, because we want to get proper evidence to fix anyone. Or secondly sir, ye dead body ke upar pediatric is some pediatric ka wo alag tarika hota hai, jab ye normal sections kaam nahi karta hai tab pediatric laga hai, पहले तो नॉर्मल सेक्शन में रिमांड हो जाएगा तो फिर एक का सर किसी को जान का धोखा है हमसे कंप्लेंट करना चाह रहा है तो उसका प्रोसेस कैसा रहेगा सर, पहले आके आपको कंप्लेंट करें या फिर कोर्ट ऑर्डर है आप कंप्लेंट कर रहे हो, हम कोशिश करेंगे कुछ एक्चुअली सब्सटेंस है, सब्सटेंस है तो वी विल वार्न देम इफ पॉसिबल वी बिगिन इफ पॉसिबल वी विल रजिस्टर अ केस विद द हेल्प ऑफ कोर्ट। सर कितना टाइम लगेगा इसमें एफआईआर होने के लिए कोर्ट से परमिशन लेने के लिए? इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी, यदि कुछ एलिगेशंस में कुछ अच्छा खासा इंफॉर्मेशन है एक कोर्ट साइड से ये फ्लैग जो उसकी डेड बॉडी पे डाले सर, आप उसके ऊपर आप लोग एक्शन लिए फॉर हाउ मेनी पीपल सर? जिसने किया ओके थैंक यू Okay, thank you.